आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मज़ल वेलोसिटी एंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। इसमें हम लोग मैन बोट और मैन प्लैंक वाले प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। मज़ल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, एंड पहले देखेंगे ये टॉपिक मज़ल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। सबसे पहले देखते हैं, ये है हमारी गन, जहाँ से बुलेट निकल रही है। हमें सभी को पता है कि जब भी गन से बुलेट निकलती है तो गन थोड़ी पीछे खिसकती है, तो पीछे खिसकेंगी कितने से, VR, जो कि क्या है, रिकॉइल स्पीड, और बुलेट सम स्पीड से निकलेगी, जिसे हम लोग कहते हैं VB। ओके, अब हमें प्रॉब्लम में दिया क्या होता है, मज़ल वेलोसिटी गिवन होती है, मज़ल वेलोसिटी क्या होती है, मज़ल वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। गन के रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, उसे हम लोग कहते हैं मज़ल वेलोसिटी। तो मज़ल वेलोसिटी को VM से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, VM मज़ल वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। अब हमें ये भी पता है कि इसका मतलब डेफिनेशन से तो ये पक्का हो गया कि मज़ल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट और बुलेट की वेलोसिटी दोनों डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, मज़ल वेलोसिटी और बुलेट की वेलोसिटी डिफरेंट है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट माइनस, अब देखना वेलोसिटी ऑफ द गन, क्या गन पीछे की ओर जा रही थी, तो वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगी, निगेटिव होगी, तो रिकॉइल स्पीड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ द गन, इसे हम लोग कहते हैं मज़ल वेलोसिटी। अब मज़ल वेलोसिटी इज इक्वल टू बुलेट की वेलोसिटी कब होगी, जब VG जीरो, मतलब गन पीछे की ओर खिसके ही ना, बट ऐसा तो होता नहीं है, हर केस में गन तो पीछे की ओर खिसकती ही है, तभी तो मोमेंटम कंजर्व होता है। अगर गन को पीछे खिसका, गन सपोज VG जीरो है, इसका मतलब गन पीछे नहीं खिसक रही है, तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। ओके, सपोज VG इक्वल टू जीरो, तो VB इज इक्वल टू VM, तो दैट मीन्स जब VB इज इक्वल टू VM, मोमेंटम नॉट कंजर्व, तब मोमेंटम नॉट कंजर्व होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स पीछे से लग रहा होगा ना भाई, गन को ऐसे पीछे से किसी फोर्स ने पकड़ के रखा होगा ना, तभी तो उसकी रिकॉइल वेलोसिटी को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। ओके, मोमेंटम, तब उस केस में मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, बट ऐसे प्रॉब्लम हमारे एग्जाम में आते नहीं है, तो ऐसे प्रॉब्लम हमारे एग्ज़ाम में आते नहीं है, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचना ही है। तो बस हमें याद रखना है कि जब वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मज़ल वेलोसिटी, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, तो हमें क्वेश्चन में यूजुअली रिकॉइल स्पीड निकालना होता है। तो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं गन बुलेट सिस्टम के ऊपर, ये है वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो, और जब बुलेट निकल गई बाहर, गन से बाहर निकलने के बाद गन पीछे की ओर VR से खिसक गई और बुलेट आगे जा रही है VB से, वी फाइनल भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, तो दोनों ही अपोजिट दिशा में है, मास ऑफ द गन कैपिटल M, मास ऑफ द बुलेट स्मॉल M, तो कैपिटल M इंटू VR, VR नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, प्लस
ये पॉजिटिव एम टाइम्स ऑफ वी बी, और वी बी का रिलेशन हमने निकाला ही था कि मजल वेलोसिटी इज इक्वल टू बुलेट की वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी मजल वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ गन। ओके, तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये माइनस वी एम वी आर पीछे की ओर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, एम इंटू वी आर और स्मॉल एम इंटू वी बी की जगह क्या होगा, वी बी हो जाएगा वी एम माइनस वी जी। वी जी क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। वी जी ही क्या है, वी आर है, रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आर वी एम माइनस वी आर, और हमें क्वेश्चन में मजल वेलोसिटी ही गिवन होती है यूजुअली। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, इसको सॉल्व करूँगा तो ये एम वी आर इधर आ जाएगा और वी आर जो होगा एम इंटू वी एम डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ऐसा आ जाएगा। तो वी आर क्या आ जाएगा, मास ऑफ द बुलेट टाइम्स ऑफ मजल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द बुलेट। ओके, इस प्रकार से आ जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सपोज गन है 5 kg की और बुलेट है 500 ग्राम की, दिया गया है मसल वेलोसिटी 20 meter per second, रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन निकालनी है। तो अभी का फॉर्मूला वी रिकॉइल क्या होगा, फॉर्मूला याद ना हो तो सीधा सीधा हम कंसेप्ट भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, सब मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल मोमेंटम भी था, फिर उसके बाद मास ऑफ द गन दिया है 5 × VR जो कि निगेटिव में होगा, प्लस मास ऑफ द बुलेट दिया है 500 ग्राम दैट मीन्स 0.5 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी दिया गया है मजल वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी तो दी गई ही नहीं थी। ओके, और रिकॉइल स्पीड, तो बुलेट की वेलोसिटी की जगह मजल वेलोसिटी माइनस वी आर इज इक्वल टू वी बी, फाइव इंटू वी आर इज इक्वल टू 0.5 × वेलोसिटी ऑफ बुलेट में मजल वेलोसिटी की दी गिवन थी 20, मजल वेलोसिटी 20 और मजल वेलोसिटी माइनस रिकॉइल स्पीड वी आर, तो लगाओ 5 VR टू 10 माइनस 0.5 VR, 5 + 0.5 5.5 VR इज इक्वल टू 10। तो वी आर क्या हो गया, 100/55 डेट इज इक्वल टू 20/11 इतना मीटर पर सेकंड रिकॉइल स्पीड होगी गन की। ओके, अब इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम करते हैं, मसल वेलोसिटी मतलब मसल वेलोसिटी तो इसमें इन्वॉल्व है बट उसमें रिकॉइल स्पीड वगैरह नहीं निकालना है, तो ये थोड़ा काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है, इसे अभी हम लोग देखते हैं। एक जो है थीफ है
उसकी कार है वो आगे जा रही है सर्टन स्पीड से, वी टी। और एक पुलिस कार है वो पीछे से आ रही है वी पी स्पीड से। पुलिस ने गन फायर की, ओके, पुलिस ने गन को फायर किया जीप में से, तो उसमें से बुलेट जो है वो मज़ल वेलोसिटी वी एम से निकली। तो हमें फाइंड करना है वेलोसिटी विथ विच बुलेट हिट्स द थीफ कार, फाइंड करना है वेलोसिटी विथ विच बुलेट हिट्स थीफ कार, थीफ की गाड़ी को बुलेट कितनी स्पीड से हिट करता है ये हमें निकालना है, ओके। तो प्रॉब्लम को एक बार फिर देखो, ये वीपी स्पीड से गाड़ी चल रही है, ओके, मज़ल वेलोसिटी वीएम से बुलेट निकली और वीटी से थीफ की कार जा रही है। तो हमें करना है थीफ की गाड़ी को बुलेट कितने स्पीड से अटैक करेंगी, इसका मतलब हमें एक्चुअल में निकालना है बुलेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार। और बुलेट और थीफ दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वी तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ द थीफ, वेलोसिटी ऑफ थीफ कार। तो इसमें हम लोग अभी क्या करेंगे कि हमें पता करना होगा सबसे पहले तो वी बी दिया नहीं था, वी एम दिया था, वी एम मज़ल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। अब क्योंकि हम सभी वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन जो, अब इस केस में क्या है कि गन तो रिकॉइल हो रही है बट गन भी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, जैसे कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी वीपी से, वैसे ही गन भी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी, ओके। हमें रिकॉइल स्पीड नहीं चाहिए, गन वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन चाहिए। अब गन भी क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रही है वीपी से, ओके। तो ऐसा हम लोग अज्यूम गन, ओके, तो बुलेट की स्पीड क्या होगी फिर, वी बी माइनस वी जी, क्योंकि गन भी सामने के दिशा में ही जा रही थी विथ स्पीड वी पी, ओके। देन वी जी ही वी पी है इस केस में, ओके। अब वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगी, मज़ल वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार वी जी या वी पी, इसे सब हम लोग अभी वी पी से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, वी पी से, ठीक है। तो आगे तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ हमें पता करना है, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ द थीफ, और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट निकल गई वी एम प्लस वी पी, वी एम प्लस वी पी माइनस वी टी, इतने स्पीड से बुलेट हिट करेगी थीफ की कार को, ओके, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी बन गया। अब देखते हैं मैन प्लैंक प्रॉब्लम। मैन प्लैंक प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक प्लैंक होता है जो स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ होता है, उसके ऊपर कोई मैन रखा हुआ होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इससे एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता,
तो क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। तो मोमेंटम कंजर्व होगा तो क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास जो है सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। ओके, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, एक तो जीरो होगी और नहीं तो इनिशियल के बराबर होगी, कांस्टेंट। बट हमें यूजुअली ऐसा मूविंग वगैरह दिया होता नहीं है, ठीक है, हमें यूजुअली रिकॉल स्पीड वगैरह बतानी होती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं। प्लैंक है, लेंथ एल है, कैपिटल एम उसका मास है, उसके ऊपर मैन रखा है कोई जिसका मास स्मॉल एम है। फाइंड करना है डिस्टेंस मूव्ड बाय प्लैंक when man reaches other end, ठीक है। तो हो गया क्या है, ये थोड़ा पीछे की ओर खिसकेगा मैन जैसे जैसे आगे मूव करेगा यहाँ तक। ओके, तो सेंटर हमने बोला था कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस मूव करेगा, ज़ीरो, ठीक है। तो स्मॉल एम ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल्स किया, एम इंटू एक्स डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये, प्लस कैपिटल एम ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें यही तो चाहिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही चाहिए। हम क्वेश्चन में क्या पूछ कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास, क्योंकि अब ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये तो ज़ीरो होगा जन। एम इंटू डिस्टेंस कवर्ड बाय एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस कैपिटल एम इंटू डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर इसके बाद हमें ये समझ में आता है, सॉरी, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर हमें ये समझ में आता है कि मैन मूव्स L डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, नॉट विथ ग्राउंड। मैन ने तो L डिस्टेंस भाई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, प्लैंक के रिस्पेक्ट में चला है, तो वो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लैंक मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक वो है एल। ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकलना है, ये निकलना है ना, और प्लैंक जो है वो पीछे की ओर जा रहा है, मतलब ये वैल्यू निगेटिव होगी,
तो एल ये क्या हो जाएगा, एल की डिस्टेंस मूव्ड बाय मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सॉरी एल एल जो होगा वो होगा डिस्टेंस मूव्ड बाय मैन रिलेटिव टू ग्राउंड प्लस डिस्टेंस मूव्ड बाय प्लैंक रिलेटिव टू ग्राउंड। तो एक्स एम की एक्स एम जी क्या होगा, वो होगा एल माइनस एक्स जी। और इस इक्वेशन में हम लोग अभी इस वैल्यू को पुट कर दें जिससे हमें ये वैल्यू मिल जाए। एक्स यहाँ पे हमें पुट करना है एक्स एम जी की जगह, एक्स एम जी की जगह हमें पुट करना है ये वाली वैल्यू एल माइनस एक्स पी जी। प्लस एक्स टाइम्स ऑफ कैपिटल पी इंटू जी तो एक्स पी जी क्या आ जाएगा इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एल, ये हो जाएगा मैं जो प्लैंक ने डिस्टेंस ट्रैवर्स किया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब प्लैंक शिफ्ट। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में, डिस्टेंस मूव्ड बाय प्लैंक व्हेन मैन रीचेस टू अदर इन इज दिस, डिस्टेंस मूव्ड बाय प्लैंक व्हेन मैन रीचेस अदर एंड इज दिस। एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, मान के चलते कि प्लैंक का मास है 100 केजी, लेंथ है उसकी 50 मीटर, आदमी का मास है 40 केजी कर लेते हैं, 25 केजी। फाइंड डिस्टेंस करना है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हेन इट रीचेस अदर एंड। तो एक्स पी जी क्या होगा, अभी का फॉर्मूला स्मॉल एम 25, इसे अभी आप डिराइव भी कर सकते हैं जैसे कि अभी मैंने डिराइव किया था, 25 इंटू लेंथ 50 डिवाइडेड बाय टोटल मास 100 प्लस 25 125। ओके 25 1 4 25 5 तो डिस्टेंस मूव वाला प्लैंक इसे गुरु 5 × 10 10 मीटर। ओके अब सेम आप लोग इसमें लगा सकते हैं मैन बोट प्रॉब्लम में भी। ओके तो उसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें अभी हम लोग देखते हैं कि रिकॉइल स्पीड ऑफ द ब्लैंक मैन वी स्पीड से मूव कर रहा है, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू प्लैंक, प्लैंक के रिस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी गिवन होती है यूजुअली, हमें पता करना है रिकॉइल स्पीड ऑफ द प्लैंक। अब ये बुलेट वाले सिस्टम जैसा ही होगा। ओके वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज वी, ये क्या होगी वेलोसिटी ऑफ द मैन माइनस माइनस वी पी, जिसमें से वी पी क्या है वो स्पीड जिससे कि प्लैंक रिकॉइल कर रहा है। ओके तो वी होगी वी एम प्लस वी पी, वी पी को वी आर कर देते क्योंकि प्लैंक की जो वेलोसिटी है वो पूरी की पूरी रिकॉइल के कारण आ रही है, उसकी कोई दूसरी वेलोसिटी तो है नहीं। तो मैन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी जो हमको दिया गया होता है यूजुअली वो माइनस वी आर। फिर अब
मोमेंटम कंजर्व, पी इनिशियल इनिशियल मोमेंटम, नहीं इसमें मोमेंटम कंजर्व कैसे होगा, देखिए इनिशियल मोमेंटम था स्मॉल एम इंटू वी, इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो नहीं था, ओके स्मॉल एम इंटू वी, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम होगा मैं गन नहीं इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या था, ज़ीरो था, उसके बाद जब मैन मूव करने लग गया विद स्पीड वी एम वेलोसिटी ऑफ द मैन लेफ्ट में, तो प्लैंक जो है वो रिकॉइल किया अपोजिट डायरेक्शन में, ओके तो इस वी एम की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली थी वी माइनस वी आर प्लस कैपिटल एम इंटू वी आर, तो इससे वी आर की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो होगी क्या, ये वी आर है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मास ऑफ द मैन टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक डिवाइडेड बाय टोटल मास।